नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सिर्फ दो बार बोल करके आपको पानी पी लेना है, तुरंत ही आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, यह जो मंत्र हम आपको बताएंगे, यह मंत्र नवग्रहों में से मन का कारक ग्रह चंद्रमा से जुड़ा हुआ मंत्र है। यानी कि दोस्तों, यह मंत्र चंद्रमा से संबंधित मंत्र है। आपको चंद्रमा को बलि करने की आवश्यकता है। जब आप अपने चंद्रमा को मजबूत और बलि बना लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका भाग्य बदलने लग जाएगा। धन कहीं ना कहीं से आपके पास आता ही रहेगा। आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। जब भी जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तो जातक का मन बहुत ही ज्यादा अशांत रहता है, और मन अशांत रहने की वजह से यदि वह करोड़पति भी रहता है तो एक दिन करोड़पति बन जाता है। लेकिन जिस जातक का मन स्थिर रहता है, वह गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, एक दिन करोड़पति जरूर बनता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली में अंश बल से कमजोर होते हैं या फिर चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह राहु केतु या फिर शनि बैठ जाता है तो ऐसे में चंद्रमा को दोष लगता यही और चंद्रमा कमजोर पद जाता है। इसके अलावा चंद्रमा के आजू बाजू कोई ग्रह नहीं रहते हैं तो इससे चंद्रमा पीड़ित रहता है। इसके साथ ही आजू बाजू घर में पाप ग्रह की स्थिति भी चंद्रमा को कमजोर बनती है। तो ऐसे में आज का जो ये उपाय है उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली कहा जा सकता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है उन लोगों को इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और व्यक्ति को कदम कदम पर सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, आप इसे केवल सोमवार के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को जो दिन होता है वह सोमवार का दिन होता है। वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शंकर को भी समर्पित माना जाता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में सच्चे मन से दूध चढ़ाते हैं या फिर भगवान शंकर के मंदिर में जाके आप साफ सफाई करते हैं, उस दिन गरीबों को खाना खिलते हैं, तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और कई प्रकार के और उपाय हैं जिन्हें करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा भी भोलेनाथ से संबंधित होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रमा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान है। चंद्रमा जल से संबंधित ग्रह होता है, इसलिए जल और कच्चा दूध चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रभावी चीज मानी जाती है। जिस प्रयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे ना आपका चंद्रमा बलि होगा बल्कि इससे आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। और जब शुक्र मजबूत होता है तो ऐशो आराम, धन दौलत और मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से बहुत ज्यादा प्रभावशाली लाभ मिलता है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, वह ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ती है तो उसके तमाम तरह के मनोरथ पूरे होने लगते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी उसे डगमगा नहीं सकती, उसका मन स्थिर और मजबूत रहता है। दोस्तों, मन को बहुत ही ज्यादा चंचल माना जाता है, क्योंकि मन भटकने वाली चीज है। इसलिए मन के ऊपर कंट्रोल रखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि कि मन के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी प्रकार की इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपकी सभी इंद्रियां आपके काबू में रहेंगी। चलिए फिर जान लेते हैं आपको कौन सा शक्तिशाली प्रयोग सोमवार के दिन करना है, जिससे आपका चंद्रमा बलि होगा और आपको धन दौलत ऐशो आराम की प्राप्त होगी। तो इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जो भी बर्तन जिसमें आप पानी पीते हैं, चाहे वह गिलास हो चाहे फिर लोटा, उस बर्तन में आप कोई चांदी का कोई आभूषण डाल दें और पूरे दिन रात जब भी पानी पिए आप उसी बर्तन से पानी पीते रहें।
और पानी पीने से पहले आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः यह मंत्र चंद्रमा का मंत्र माना जाता है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करने से आपका मन स्थिर होगा। दोस्तों, दो बार ही आपको इस शक्तिशाली मंत्र को बोलना है। और याद रखें, आपको यह प्रयोग आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। दोस्तों, घर का जो वायव्य कोना होता है, उस कोने में आपको एक पानी की बोतल में चांदी का सिक्का डाल करके हमेशा रखना चाहिए। विशेषतः आपको सोमवार के दिन तो अवश्य रखना चाहिए। उस पानी को लगातार आपको पीते रहना है। यदि वह पानी थोड़ा बच जाता है तो बेहतर है, या फिर आप तांबे के लोटे में अलग से पानी रख करके उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस पानी को जाकर के आप शिवालय में जाकर के चढ़ा दें, यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आप उस तांबे के पानी को चढ़ा दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को आप कुछ ही दिन तक करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। इसके साथ ही सोमवार के दिन आप सफेद रंग की गाय को चावल खिलाएं और उसकी पूजा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपका भाग्य हर पॉइंट पर आपका साथ देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।